देखो मैम बोल रही है पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने 2 बार बोला तो मैम ने क्या बोला पता नहीं। तो चालू है, इसकी आवाज भी फुल है। ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ, ब्लूटूथ ऑन है। हाँ कनेक्ट हुआ जब मालूम पड़ हो गया। गया, आवाज भी आई के। The Bluetooth device. अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके देन स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है उपहार। ओके चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। सबने चैप्टर खोल लिया? ओके यस। पेज नंबर 119 है ना, 119 चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है उपहार। अच्छा उपहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? गिफ्ट। गिफ्ट। ओके यस मैम। ओके क्या बोलते हैं उपहार को? गिफ्ट है ना, गिफ्ट जो आपको आपके बर्थडे पर आपके मम्मी पापा देते हैं या कोई भी फेस्टिवल पे आपको आपके बड़े देते हैं ना। ठीक है अब अपन पढ़ेंगे। आज शुभम का जन्मदिन है। शुभम नाम का एक बच्चा है जिसका क्या है, आज जन्मदिन है ना। आज वो सुबह से ही बहुत प्रसन्न था। देखिए आपका भी जिस दिन बर्थडे होता है आप कितने खुश रहते हो कि आज तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देंगे, अंकल आंटी गिफ्ट देंगे, मम्मी पापा गिफ्ट देंगे, है ना। आप भी बहुत खुश होते हो उस दिन, है ना। भगवान जी को नमन करते हो, फिर अच्छे से बहुत सुंदर सुंदर बन के स्कूल में भी आते हो, फिर स्कूल में भी आपको विशेष मिलती है, फिर आप चॉकलेट्स बांटते हो, है ना, फिर कुछ फ्रेंड्स आपको गिफ्ट भी देते हैं। उसी प्रकार से आज शुभम नाम का एक बच्चा है, उसका क्या है, जन्मदिन है, यानी कि उसका बर्थडे है। आज वो सुबह से ही बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? नाना नानी और बहुत सारे लोग आने वाले हैं और सभी मित्र आने वाले हैं। उनको बर्थडे पार्टी में बुलाया हुआ, शायद बर्थडे पार्टी मना रहे होंगे। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतजार करने लगा। देखो आपको भी मम्मी बोलती है ना कि अगर आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी की खेलने जाना है, तो पहले आपने स्कूल का काम निपटो, या कोई और काम देती है तो पहले वो काम निपटो, है ना। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी कैसे बजती है? टिंग टोंग बजती है ना, ये नहीं बजती है। शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला। जब अपने को कोई ऐसे व्यक्ति का इंतजार होता है, अपने अजीज जिनको अपन बहुत प्यार करते हैं, अगर उनका आने आने का होता है तो अपन क्या सोचते हैं, जब भी घंटी बजती है, अरे कहीं वो तो नहीं आ गए, अरे कहीं वो तो नहीं आ गए। ऐसे शुभम को लगा कि कहीं उसके नाना नानी या सभी मित्र तो नहीं आ गए, तो उसने फटाफट जाके घंटी बजी तो उसने फटाफट जाके दरवाजा खोला। ठीक है सामने नाना नानी खड़े थे। अब नाना नानी तो सबके फेवरेट प्रिय होते हैं ना, सबके प्रिय होते हैं। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। उनको देखकर क्या हुआ, शुभम बहुत खुश हुआ, है ना, बहुत हैप्पी हुआ। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श करे, मतलब उनको धोख दी। देखिए बेटा आपके घर में भी कभी आपके नाना नानी या मामा मामी या कोई आते हैं तो आपको भी धोख देना चाहिए, है ना, देते हो ना धोख, ये अच्छी बात होती है धोख देना। और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, मतलब तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, है ना। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया, वही गिफ्ट दे दिया उन्होंने। उपहार देखकर शुभम की खुशी का ठिकाना न रहा। उपहार देखा तो शुभम की तो खुशी का ठिकाना न रहा। 1 मिनट प्लीज, है ना बेटा, क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी। क्या दी थी उसको? साइकिल दी थी उपहार में। तो चाहते हुए बोला, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा। क्या कहा? नाना जी अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। कौन है उसके मित्र, कौन कौन है? अजय, पीटर और प्रिया, वो लोग भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए।
नाना जी ने कहा, बच्चों क्या तुम जानते हो कि साइकिल के जिस रूप को तुम आज देख रहे हो पहले ऐसी नहीं थी। नाना जी ने क्या कहा, बच्चों क्या तुम जानते हो साइकिल के जिस रूप को तुम आज देख रहे हो ऐसी नहीं थी। नाना जी पेस्ट अभी कीजिए बेटा। शायद इसके आगे का पेज स्क्रीन में नहीं आ पाएगा बेटा, तो अपन ऐसे ही अपनी बुक में देखिए आप। नाना जी, नाना जी हंसकर बोले, चलो आज तुम्हें सहायता के बारे में बताता हूँ। सभी बच्चे उत्साह पूर्वक नाना जी की बातें सुनने लगे। देखो आपको जब भी आपको कोई बात बोलते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुशी से उनके पास बैठ जाते हैं और उनकी बात सुनने लगते हैं खुशी खुशी, है ना। वे बोले, बच्चों जब साइकिल का आविष्कार नहीं हुआ था ना, बच्चों जब साइकिल का आविष्कार नहीं हुआ था मतलब जब उसको वो बनी ही नहीं थी, उसको किसी ने बनाया। हर चीज को वैज्ञानिक बनाते हैं ना, जैसे लैपटॉप मोबाइल सबको किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया है। पंखे लाइट बिजली का उत्पादन ये सभी कोई ना कोई व्यक्ति बनाता है। उसी प्रकार से जब साइकिल बनी नहीं थी ना तब ऐसा एक दूसरा उपकरण था जिसे हॉबी हॉर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉबी हॉर्स। ब्रिटेन के लोग इसका खूब प्रयोग करते थे, ब्रिटेन के जो लोग थे इसका खूब प्रयोग करते थे। ब्रिटेन में पहले ये चलता था, साइकिल से पहले ये चलता था और इसको क्या बोलते थे, हॉबी हॉर्स कहते थे। और ब्रिटेन के लोग इसका बहुत उपयोग करते थे। शुभम ने कहा, नाना जी ये हॉबी हॉर्स कैसा होता है, आपन को भी नहीं पता हॉबी हॉर्स कैसा होता है। तो उसने क्या कहा, नाना जी हॉबी हॉर्स कैसा होता है। तब नाना जी ने बताया, बेटा हॉबी हॉर्स में एक लंबा सा डंडा होता था। क्या होता था, एक लंबा सा डंडा होता था, उसके दोनों सिरों पर एक पहिया लगा होता था, उसके दोनों सिरों पर एक पहिया लगा होता था। परंतु इसे चलाने में परेशानी होती थी, परेशानी होती थी। प्रिया ने उत्साहपूर्वक पूछा, नाना जी फिर इसे कैसे चलाते थे। प्रिया ने उत्साहपूर्वक पूछा कि नाना जी फिर इसे कैसे चलाते थे। तब नाना जी बोले, इसे चलाने के लिए साइकिल सवार को जमीन पर पैर रखकर आगे को धक्का देना होता था। जमीन जो चलाने वाला व्यक्ति था उसको जमीन पे पैर रखकर आगे की तरफ धक्का देना पड़ता था। धीरे धीरे यह इस हॉबी हॉर्स ने बहुत सुधार किए पीटर ने पूछा, किस प्रकार के सुधार किए नानी जी। वन मिनट प्लीज बेटा, है ना। ये तानिया पटेल लास्ट है ना, मैम की बेटी है। अच्छा वो कॉल मेरे पास से कॉल आया। अच्छा बोले मैं ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक, तो मैंने मेरी बेटी को देखती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर में आज वो आया नहीं गलती से। अच्छा शायद। चलिए बेटा वापस से अपन स्टार्ट करते हैं। नाना जी ने बताया, हॉबी हॉर्स एक लंबा सा डंडा होता है, इसके दोनों सिरों पर एक एक पहिया लगा होता है, परंतु इसे चलाने में परेशानी होती थी। प्रिया ने उत्साहपूर्वक पूछा, नाना जी फिर इसे कैसे चलाते हैं। अपने को भी कोई चीज चलाने जाते तो अपन भी पूछेंगे ना, इसको कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तब नाना जी बोले, इसे चलाने के लिए साइकिल सवार इसे चलाने के लिए साइकिल सवार को जमीन पर पैर रखकर
आगे को धक्का देना पड़ता था। धीरे धीरे इस हॉबी हॉर्स में बहुत सुधार किए गए। पीटर ने पूछा किस प्रकार के सुधार नाना जी। पीटर ने पूछा किस प्रकार के सुधार, तो नाना जी ने बताया जर्मनी के एक इंजीनियर, जर्मनी के इंजीनियर बेटन, क्या नाम है इंजीनियर का नाम, बेटन ट्राइस ने विभिन्न प्रकार के हॉबी हॉर्स बनाए। उनके बनाए यंत्र में हैंडल तो होता था, बनाए यंत्र में हैंडल तो होता था परंतु पैडलों का अभाव था, है ना, पैडल नहीं थे उस समय, साइकिलों में पैडल नहीं थे। इसके बाद मैक मिलर ने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल भी लगे थे। इसके बाद मैक मिलर एक व्यक्ति था, उसने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल भी लगे होते थे। अजय ने कहा फिर तो नाना जी साइकिल चलाना आसान हो गया होगा जब पैडल आ गए, तो अजय ने क्या कहा फिर तो साइकिल चलाना आसान हो गया होगा। तब नाना जी बोले हाँ बेटा साइकिल चलाना तो आसान हो गया परंतु अभी साइकिल देखने में सुंदर नहीं थी, अभी साइकिल देखने में सुंदर नहीं थी। इसके बाद 1842 में फ्रांस के एक इंजीनियर मिचेक्स ने एक साइकिल बनाई जो सुंदर और आरामदायक थी, है ना। मिचेक्स ने एक साइकिल बनाई जो सुंदर भी थी और आरामदायक भी थी, उसको आराम मिलता था उसको चलाने में, ठीक है। इसके बाद तो पूरे विश्व में साइकिल बनाने की होड़ लग गई, धीरे धीरे साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन होने लगा, है ना। धीरे धीरे साइकिल दौड़ प्रतियोगिता मतलब साइकिल कौन तेज चला सकता है उसका आयोजन, मतलब वो प्रतियोगिताएं करवाने लग गए, है ना। अब तो भारत में एक से बढ़कर एक मॉडल की साइकिलें बनने लगी है, बनने लगी ना एक से एक साइकिल, ठीक है। तभी प्रिया उछलकर बोली हाँ हाँ नाना जी, हीरो साइकिल और एवन साइकिल के विज्ञापन तो अक्सर दूरदर्शन पर आते रहते हैं। पहले एटलस साइकिल, हीरो साइकिल, एवन साइकिल चलती है ना, तो उनके क्या एड, उनके एड आने लग गए। कहाँ पे आने लग गए, दूरदर्शन पर आने लग गए। नाना जी हंसकर बोले हाँ बेटा तुमने बिल्कुल ठीक समझा। क्या बोला नाना जी, बोलने लग गए हंसके हाँ बेटा तुमने बिल्कुल ठीक समझा। आधुनिक समय में भारत की गणना विश्व में सबसे अधिक साइकिल बनाने वाले देशों में की जाने लगी। अभी आधुनिक भारत में जो आधुनिक भारत की गणना विश्व में मतलब पूरे संसार में सबसे अधिक साइकिल बनाने वाले देशों में होने लगी, मतलब कि अपने अपने देश में जो है साइकिल सबसे अधिक मात्रा में बनने लगी है, वो सबसे नंबर फर्स्ट पे आने लग गया है, ठीक है। तभी नानी जी वहां आई और बोली अरे बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाओगे पियोगे भी। क्या कहा नानी जी और बोली, क्या बोली, अरे बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाओगे पियोगे भी, चलो केक काटने का समय हो गया है। क्या बोला, चलो केक काटने का समय हो गया है, पेस्टर कीजिए बेटा। अरे चैप्टर फिनिश हो गया है, मतलब इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है तो साइकिल का पहला रूप पहले ऐसा रूप नहीं था, दूसरा रूप था, है ना। कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताए गए हैं कि साइकिल का पहले सबसे पहले नाम क्या था, हॉबी हॉर्स था, है ना। फिर उसमें हैंडल लगा, फिर किसी वैज्ञानिक ने उसमें पैडल लगाया और अब तो बहुत सुंदर सुंदर साइकिलें बनने लग गई है, ठीक है। चलिए अब अपन क्या पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे इस चैप्टर के। शब्दार्थ, शब्दार्थ में पहला शब्द है इंतजार। इंतजार का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा, है ना। इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा। आशीर्वाद का मतलब होता है मंगल कामना, है ना, मनोकामना। आधुनिक मतलब आज का, आधुनिक मतलब आज का। आविष्कार यानी खोज, आविष्कार यानी खोज। प्रतियोगिता यानी स्पर्धा होड़, है ना। प्रतियोगिता यानी क्या होता है, स्पर्धा होड़। होड़ यानी क्या होता है, बराबर। होड़ यानी क्या होता है, बराबर। चरण स्पर्श करना यानी पैर छूना, प्रणाम करना।
अभाव यानी कमी, अभाव यानी क्या होता है बेटा, कमी होती है, कमी 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 कमी। उसके बाद में उत्सुकता यानी बेचैनी, उत्साह यानी जोश, आयोजन यानी प्रबंध, और गणना यानी गिनती। गणना यानी क्या होता है बेटा, गिनती। देखिए बेटा आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, और सॉरी जब मैंने पीडीएफ बनाया था इसके दो पेज में ध्यान नहीं रहा तो आपकी स्क्रीन पे नहीं आ पाया है, तो आपके पास सबके पास बुक है, आपने सबने उसमें से पढ़ लिया है। अब आपका आज का होमवर्क क्या है, जो आज अपने चैप्टर पढ़ा है उसको वापस से क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, आपको चैप्टर रीड करना है, ठीक है। अब और अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, next class lagegi? I don't know. मुझे नहीं पता बेटा। Okay. Okay. किसी को कुछ पूछना है क्या? नो। ठीक है। चलिए आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, अब अपन चैप्टर कल लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है क्या नाम है, छत्रपति का न्याय। छत्रपति का न्याय पढ़ेंगे कल अपन। उसके बाद परसों से अपन जो आपको जो नोट्स मिले हुए ना बेटा वो आप लेकर बैठना पास में, तो अपन पूरे नोट्स के क्वेश्चन आंसर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। परसों से अपन सारे नोट्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और चैप्टर वो बुक एक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे, और मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देख लेना, अगर कहीं कुछ मिस्टेक आ गई हो तो आप उसको सुधार लेना, है ना, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे। यस बाय बाय। मैं बुक एक्टिविटीज, मैं बुक एक्टिविटी सब करवाऊंगी बेटा, चैप्टर फिनिश हो जाए उसके बाद करवाऊंगी। यस, ग्रामर पैटर्न क्या करवाना है अभी आपको, व्याकरण भी क्या कर रही है, व्याकरण भी करवाना है अभी आपको, है ना। यस सब करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। तो फिर उनको भेजला बलता है जो अभी मेरे को समझ में लाता, तो भेजला का बल्ले वाला क्या बोल रहा है ये,
पंशुल जाओ बेटा। ओ इसमें चलिए अब अपन कल पढ़ेंगे है ना। ओके बाय 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 बेटा बाय मैम बाय। और मम्मा जब भी बोलेगा तो फिर बोला मत करो कि मैडम ने बोल पूछा ना भी बोले क्या हुआ बेटा बोल। हाँ और ये पिज्जा अभी खा ले है। मैम हम क्लास लीव कर सकते हैं क्या? तू पूछ ना मैं हम क्लास लीव कर सकते हैं क्या? इसमें क्या कुछ टाइम पास ही तो हो रहा है पूछ ले। मैम हम क्लास लीव कर सकते हैं क्या? और चोर से मैम हम क्लास लीव कर सकते हैं क्या? ओके ओके कल सब कॉमेडी तो चलिए मामला आपको तो अभी मिल ठीक है। अरे मत करा जब सुन तो पहले मैडम ने कहा दे रखा है।